हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। PYQs आप देख सकते हो, PDF एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तक्षशिला वॉज वन ऑफ द चीफ सेंटर्स फॉर इम्पार्टिंग वॉट। सो देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपने सुना है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस है वेटनरी साइंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। सो देखिए स्टूडेंट्स, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले इंडिया में होती थी, बट अभी पाकिस्तान में है। एंड 1980 के बाद से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है, राइट। एंड ये यूनिवर्सिटी उस समय में मेडिकल साइंस और सर्जरी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। आप लोगों ने चरक का नाम सुना होगा, ठीक है, चरक का नाम सुना होगा। चरक जो है आयुर्वेदा में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड वो तक्षशिला के ही एक स्टूडेंट रहे हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ओके, सो डिफरेंट कमीशंस के नाम आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें पूछा है कि नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन नॉलेज कमीशन या फिर यशपाल कमीशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉलेज कमीशन। ओके, अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन से ईयर में ये रिकमेंडेशन दिया गया था। सो नॉलेज कमीशन ने सन 2006 में ये रिकमेंडेशन सबमिट करवाया था। इसके अंदर और भी ज्यादा रिकमेंडेशंस दिए गए थे, उनको हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एंड नॉलेज कमीशन क्या था, ये एक थिंक टैंक है, इंडियन थिंक टैंक इसको बोला जाता है, जो कि 13 जून 2005 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बाकी के कमीशन जैसे कोठारी, राधा कृष्णन, यशपाल कमीशन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, एंड आप चाहते हो कि इस पर डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊं, तो मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं जरूर आपके लिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेकर आऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHERC। सो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि UGC को बदलकर अभी एक कमीशन बना दिया गया है, जिसके 4 verticals हैं, उसमें से सबसे पहला वर्टिकल NHERC है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रिव्यू काउंसिल, नो, नेशनल हायर एजुकेशन रिपोजिटरी काउंसिल, ये भी नहीं है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल या फिर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स। सो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम UGC की जगह पर उसको रेगुलेट करना हुआ है। सो रेगुलेटरी तो सही है, लेकिन ये काउंसिल होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, यानी कि गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित यहां पर विशेषताएं आप लोगों को ढूंढनी है।
ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स्ड टाइम, इसमें बोला जा रहा है कि कैंपस में ही आप लोगों की फिक्स टाइम फिक्स शेड्यूल को लेकर के क्लासेस ली जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी. नो, टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं होती थी. नॉन कन्वेंशनल, देखिए कन्वेंशनल मतलब पुराने जमाने की एजुकेशन, उस वक्त स्ट्रिक्ट टाइम टेबल स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता था, टीचर सेंटर्ड मेथड यूज किए जाते थे. नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो अभी एजुकेशन है, अभी की एजुकेशन लर्नर सेंटर्ड मानी गई है, ठीक है. रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस ऐसा भी कुछ नहीं है एंड नो फिक्स्ड करिकुलम. अब नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं ऐड किया गया है, राइट. बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम अभी बना दिया गया है ताकि स्टूडेंट एजुकेशन को बर्डन ना समझे. In India, much of the central government expenditure on general higher education is routed through. So, it is routed through natural council of teacher education. No, ऐसा कुछ भी नहीं है. All India Council for Technical Education, जिसको हम AICTE के नाम से जानते हैं, general higher education की बात की है, ठीक है. ये भी नहीं होगा. UGC, ये है आपका सही आंसर, that is University Grant Commission. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेशन दैट नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू स्पेशलाइज इन टीचिंग अ सब्जेक्ट अनलेस ही हैड इट इन BA BSc वाज मेड बाय. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. इसमें बोला गया है कि किसी भी छात्र को किसी विषय में को पढ़ाने में विशेषज्ञता की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उन्होंने BA और BSc में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ना ली हो. ये रिकमेंडेशन किनके द्वारा दी गई थी? सो ये दी गई थी आपके एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 से 66 के बीच में चला था. इस कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी. तो देखो स्टूडेंट्स, बाकी के जो भी कमीशन है मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, नहीं पढ़ी है, डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो. तो कौन से कमेटी कब बनी थी, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, आगे इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, इस कमेटी के क्या क्या वर्किंग प्रोटोकॉल्स है, इस कमेटी को क्यों और किसने बनाया गया था, क्या इसके टारगेट्स थे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके. नेक्स्ट है, यूजीसी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर. सो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? रिसर्च और इनोवेशन, हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, ओके. ये नहीं है, ठीक है. कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल सही है. तीसरा बोलता है इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन कंट्री, हर बच्चा हायर एजुकेशन अपनी पूरी करे, ये यूजीसी का काम नहीं है. डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी, देखिए यूजीसी का नाम ही ग्रांट कमीशन है तो ये ग्रांट्स तो देता ही है. अगला है सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग. यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड ही हमें करवाता है, ओके. तो सही आंसर है BD and E ओनली. बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, जितनी बार हो सकता है समझ लीजिए अच्छे से चीजों को. In context of higher education, Honorable Supreme Court directed which of the following national body organization to frame and prescribe a course in environment education? Okay, higher education में environment education के बारे में किन्होंने recommend किया था? UGC, NCTE, NCERT या फिर AICTE? चलिए question आपको यहाँ पर homework के लिए मैं दे रही हूँ. UGC की फुल फॉर्म तो सबको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. NCTE की फुल फॉर्म बताओ, एग्जाम में आती है NCTE की फुल फॉर्म, ठीक है. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है UGC. सुप्रीम कोर्ट को एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए जो भी बात हुई थी वो UGC ने दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर लो एनरोलमेंट इन वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया. अब देखो सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की है जिसमें बच्चों को ना सिर्फ बुक में जो है वो पढ़ाया जाता है बल्कि उनको रियल लाइफ में एक्चुअल में जॉब का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सब चीजें 9th class से पढ़ाई जाती है, ठीक है. बट उसमें कम बच्चों की एनरोलमेंट अभी तक है. क्यों? क्योंकि उसका फीस ज्यादा है. लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अभी तक नहीं दी जा रही है.
ऐसा भी कुछ नहीं है, फैसिलिटीज पूरी दी जा रही है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर देखिए, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, काफी ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज अभी तो हैं, तो ये भी गलत है। रॉन्ग परसेप्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक्चुअल में अभी तक समझ ही नहीं आया है कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है और कितना ज्यादा फायदेमंद है ये किसी भी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज, इन इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स विच यूनिवर्सिटी हैड टेकन टू द स्ट्रेटेजी ऑफ अडॉप्टिंग मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शंस थ्रू ज्ञानवाणी एंड ज्ञान दर्शन। ओके, सो ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन किस चीज से जुड़ा है, किस यूनिवर्सिटी से ये जुड़ा हुआ है, तो ये इग्नू से ही रिलेटेड है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन इग्नू का ही एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इन्होंने इनिशिएटिव नहीं है, मतलब इन्हीं के द्वारा ये सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट वन बोलती है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद स्कूल एंड हायर एजुकेशन एट एवरी लेवल। ओके, इंडियन लैंग्वेजेस में टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए स्कूल से लेकर कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये NEP 2020 ने बोला है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट टू बोलती है, यूनेस्को हैज डिक्लेयर 220 इंडियन लैंग्वेजेस एज एंडेंजर्ड, यानी कि लुप्त हो रही है लैंग्वेज 220, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगेन NEP 2020 के बारे में ही यहां पर बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, द टीचर मस्ट बी द लोकस ऑफ बेसिक रिफॉर्म्स इन कंट्रीज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों में बुनियादी सुधारों का केंद्र होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक टीचर ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, ये एक इसका सिंपल सा मीनिंग हम निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकली marginalized or the disadvantaged student sections of the society should get paid quality education irrespective of their place or of residence. इसमें बोला गया है कि समाज में जो कोई बहुत background, बहुत backward area के जो बच्चे होते हैं उनको एक best education देनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस जगह से है, किस city से है, किस गांव से है, तो ये statement भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नॉलेज कमीशन विद रिगार्ड्स टू हायर एजुकेशन। सो देखिए, नॉलेज कमीशन के बारे में हमने अभी पढ़ा था, इसने और भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे कि ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ये रिकमेंडेशन इनकी नहीं थी। क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, की प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो जाए, नहीं। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, की हायर एजुकेशन पर फोकस करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जाए। फोकस ऑन अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि सकारात्मक कार्यवाही हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एफर्ट्स टू अचीव एक्सेलेंस, उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास, बिल्कुल सही है। और नेशनलाइजेशन जो है वो NEP 2020 की रिकमेंडेशन है, ना कि नॉलेज कमीशन की। ओके, सो सही आंसर क्या है, सी डी एंड ई ओनली, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट इज ओनली कितने परसेंट ऑफ GDP, यानी कि इसमें पूछा गया है कि इंडिया की GDP का कितना प्रतिशत उसकी रिसर्च और इनोवेशन में लगाया जाता है, तो वो है 0.69%। Which of the following acronym and its expansion are not correctly matched? Okay, so NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। NCTE, होमवर्क पे भी दिया था ये क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, जैसे BEd वगैरह होते हैं हमारे, वो सब NCTE के अंदर आते हैं। अगला है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च, नो। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इस क्वेश्चन में सही आंसर इनकरेक्टली मैच, यानी कि ICAR की गलत डेफिनेशन है। ठीक है,
गलत फुल फॉर्म बताई गई है यहाँ पर, तो सही फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च नहीं है, एग्रीकल्चरल रिसर्च है, राइट? स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई डाउट है आप मुझे जरूर बता दीजिए, एंड अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ इस सीरीज को, रोज ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ। नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स NCRI इज अ रजिस्टर्ड ऑटोनॉमस सोसाइटी फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? सो देखो डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझना है कि इसमें पूछा है NCRI कहाँ पर स्थित है, ठीक है? कहाँ पर है ये? ये है आपका हैदराबाद, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। ये एक रजिस्टर्ड ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा पूरा फंड प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है, एज पर NEP 2020 इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द फोकस एरिया ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी चूजन बेस्ड ऑन। ओके, सो हायर एजुकेशन NEP में वोकेशनल एजुकेशन का फोकस किस पे रहना चाहिए? जेंडर बेसिस? नो, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें कि मेल फीमेल में डिफरेंस किया जा रहा है। स्किल गैप एनालिसिस, वैल्यू ओरिएंटेड लर्निंग, मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटी या फिर विजुअल आर्ट्स, ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B और D की स्किल गैप, कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण करना, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब वाज रिवाइव्ड इन 1935। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला है केब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था, तो किस कमेटी के द्वारा ये सिफारिश, ये रिकमेंडेशन दिया गया था? ऑप्शन है SH वुड कमेटी, हरतोक कमेटी, वुड अबॉट कमेटी या फिर सैडलर कमेटी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हरतोक कमेटी, ठीक है? सो केब की रिकमेंडेशन हरतोक ने दी थी। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ स्टेट और सेंट्रल एक्ट बाय अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें बोला है कि कोई भी एक निजी विश्वविद्यालय जब होता है किसी भी स्टेट में, जब वो स्टेट या फिर सेंटर में उसको जब एस्टैब्लिश किया जाता है, तो उसको रजिस्टर करने के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट काम में आता है, उसके रूल्स काम में आते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। और टू बोलती है, द चांसलर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एज द केस मे बी। नो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इसमें चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, इट इज सेड दैट इन द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन हैड इक्वल राइट्स टू गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल जो हुआ करता था, गुरुकुल वगैरह वाला पीरियड, उस समय पे बोला जा रहा है कि वुमेन को पूरा अधिकार था, बराबर एजुकेशन के राइट्स उस समय हुआ करते थे, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है, इन द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड एज देयर वर नो सेपरेट गुरुकुल्स फॉर गर्ल्स ऑफ एज 12 इयर्स एंड अबव दे शुड नॉट रिसीव हायर एजुकेशन। देखो वैदिक पीरियड के शुरुआत में तो महिलाओं पुरुष के लिए बराबर अधिकार थे, लेकिन वैदिक पीरियड के एंड में क्या होने लगा कि 12 साल से ज्यादा की लड़कियों के लिए अलग से गुरुकुल्स यानी कि अलग से हॉस्टल्स नहीं हुआ करते थे, और उस समय में लड़की और लड़कों को एक साथ ऐसे रहने भी नहीं दिया जाता था, अभी भी नहीं रहने दिया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन सेपरेट हॉस्टल्स गुरुकुल्स नहीं होते थे जिसकी वजह से लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं मिलती थी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, एंड यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को आई होप समझ आ गई है चीजें कि हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसी के साथ
एंड करते हैं फिर आज के सेशन को. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.